दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में कोरोना काल के बीच लॉकडाउन है, बावजूद शराब माफिया शराब के अवैध कारोबार को करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुरा गांव में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने 566 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया है। दरअसल आपको बताते चले कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद थाना की पुलिस ने बिहार थाना क्षेत्र के पहाड़पुरा गांव में पंप हाउस के समीप जमीन में गाड़ कर रखे हुए कुल 566 बोतल लगभग 160 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शराब बरामदगी के मामले में बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उत्पाद विभाग की टीम अनुसंधान कर रही है और जल्द ही शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त माफिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन में छुपा कर रखे गए 566 बोतल विदेशी शराब को बिहार थाना क्षेत्र के पहाड़पुरा गांव में पंप हाउस के समीप से बरामद किया है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।